न्यूज नाउ लाइव अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए फॉरेस्ट मिनिस्टर राजीव जसरोटिया जी। सर वेलकम टू न्यूज नाउ। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मंत्रालय है आपके पास, तो क्या लगता है आपको क्या मेन चैलेंजेस रहेंगे? देखिए मंत्रालय कोई भी हो और प्राथमिकता यही रहती है कि सरकार उस मंत्रालय की तरफ से लोगों को कितनी सुविधाएं दे सके, लोगों के ग्रीवेंसेस कैसे कम हो सकें और लोगों में एक कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं ये अपनी सरकार है। मेरा भी यही प्रयास है, कोशिश है कि जिस तरीके से एज MLA काम किया, कोशिश होगी प्रयास होगा कि लोगों की भावनाओं को, लोगों की सुविधाओं को, लोगों के ग्रीवियंसेस को ध्यान में रखकर ये डिपार्टमेंट फंक्शन करेगा। सर जिस तरह से हम देखते हैं कि जंगलों से लकड़ी चोरी होने की काफ़ी वारदातें सामने आती हैं, तो सर कैसी किस हद तक नकेल कसी जाएगी उन लोगों पर इन फ्यूचर कि ऐसी वारदातें जो हैं वो ना हों? देखिए हमारा यही मोटिव हमारा यही है, मकसद यही है कि ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से इस डिपार्टमेंट को चलाया जाए। आई एम न्यू टू द डिपार्टमेंट, आई हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। दो चार दिन की बात है और आपके माध्यम से मैं सारे इस रियासत की जनता को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हमारा मेन फोकस रहेगा। सर जिस तरह से जम्बू जू के लिए काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जो उसका इनिशिएटिव लिया गया है जम्बू जू का, तो उस इनिशिएटिव को आगे हम लेके जाएंगे और जम्मू में एक बहुत बड़ा सेट बनने वाला है। जम्बू जू ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं, सब चीज़ें हमारे ध्यान में हैं। और कल हम श्रीनगर जाना है तो उसके बाद वी स्टार्ट द प्रोसेस और जितने भी लेफ्ट आउट वर्क्स हैं, जो पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं, उन सारे पेंडिंग असाइनमेंट्स को टेकअप करें। सर एक आखिरी अहम सवाल कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रसाना के मामले पर हम बात करें, तो सर रसाना के लोग आपको क्या लगता है, क्या वो गलत हैं कि वो CBI की डिमांड कर रहे हैं और आपका क्या स्टैंड रहेगा CBI इन्वेस्टिगेशन पे? देखिए बात यह है कि एज फार एज रसाना क्राइम इज़ कंसर्न, मैं यही कहूँगा कि इट्स मोस्ट हीनियस क्राइम। और जो भी व्यक्ति है जिसने ये क्राइम किया है, ABCD हूएवर ही मे बी, इससे बड़ा इनह्यूमन एक्ट हो नहीं सकता। और मैं इसकी जितनी भी भर्त्सना करूँ, इसको कंडेम करूँ, तो मैं ही नहीं पूरा समाज कंडेम करता है इस बात को। और जहाँ तक इस केस के ऊपर कोई और टिप्पणी करने की बात है, मैं यही कहूँगा कि इट इज़ अ सब मैटर इज सब जुडिस। जब कोर्ट में मैटर है तो पीपल ऑफ दिस कंट्री हैज़ अ फेथ, ग्रेट फेथ इन द रूल ऑफ लॉ, और जो कानून अपना काम कर रहा है, आई डोंट सपोज आई हैव टू कमेंट एनीथिंग मोर ऑन दैट। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। सर हमारे साथ जुड़े हुए थे फॉरेस्ट मिनिस्टर राजीव जसरोटिया जी, जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए और हमसे बात की। और आगे भी इसी तरह से लाइव अपडेट्स के लिए आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ नाउ विद मी प्रेरणा जम्वाल, विद जर्नलिस्ट साहिल शर्मा। और आखिर में हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें, हमारे सभी कंटेंट्स को शेयर करना ना भूलें।